नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदे, लिटिगेशन फ्री जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। 84 वर्ष के भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। वो दो बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उनके शव को उनके आवास पर लाया जा सकता है। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद पूरे देश के साथ दरभंगा में भी शोक की लहर। विभिन्न राजनीतिक दल से जुड़े नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य संगठनों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बाढ़ संबंधी बिहार की चिंताओं से अवगत कराया। उत्तर बिहार में बाढ़ के दीर्घकालिक समाधान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगातार उठाए जा रहे मुद्दों और विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए नेपाल से आने वाली प्रमुख नदियों पर नेपाल भूभाग में हाई डैम बनाने सहित कई मुद्दों पर बात की। दरभंगा डीएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कोरोना को लेकर ऑनलाइन बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक दिन मास्क अभियान चलाने का निर्देश दिया। 50 वर्ष से ऊपर वाले पर विशेष नजर रखने एवं घेराव पथराव करने वाले को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इस मौके पर सिटी एसपी डीएसपी मौजूद। बैठक में दरभंगा डीएम ने कहा कि जो होम आइसोलेट है उनकी यहाँ प्रतिदिन पीपीई किट पहनकर कर्मी जांच करें। होम आइसोलेशन में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि बाढ़ से घिरे दरभंगा डीएमसीएच में सोमवार को फ्लू काउंटर पर काफी कम संख्या में मरीज नजर आए। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त इलाका होने की वजह से बहुत कम ही लोगों का दरभंगा आना होता है। सोमवार को मात्र 30 लोग ही फ्लू कॉर्नर में अपनी जांच करा पाए। दरभंगा डीएमसीएच में ऑर्थो विभाग में आज 10 बजे तक डॉक्टर के नहीं पहुंचने पर मरीज बिलबिलाते रहे। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में मरीज की संख्या भी अब कम हो गई है, जिसे डॉक्टर भी अब राहत की सांस लेने लगे हैं। दरभंगा के नेता अब भूलने लगे हैं अपने पुराने वादे। जहां अश्विनी चौबे ने भी यहां आकर के कहा था कि यह सुपर हॉस्पिटल जल्द दरभंगा वासियों के लिए सौंप दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने मार्च का समय लिया था। लॉकडाउन की वजह से अब सितंबर आने वाला है, लेकिन अभी तक ये सुपर हॉस्पिटल तैयार होकर समर्पित नहीं किया गया। दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के महनौली गांव सहित कई अन्य गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण युवक संस्कृति न्यास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा सूखा राशन वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक सिंह एवं प्राचार्य रामतुल्ला ने विधायक। सोमवार को दरभंगा के सभी मुख्य सड़कें रही जाम। लरिया सरी टावर एवं लोहिया चौक से लेकर दरभंगा की सड़कें जाम रहने से आम लोगों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ा। कड़ी धूप में शासनिक कार्यालय एवं सर्किट हाउस में 40 महिलाओं के ग्रुप के द्वारा मिथिला पेंटिंग एवं आकर्षक डिजाइन बनाए जा रहे हैं। इन्हें देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग जुटते हैं। इन लोगों को सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया ताकि इन क्षेत्रों में मिथिला पेंटिंग का प्रचार प्रसार करें। अनुदान नहीं वेतनमान फोरम के बैनर तले प्रोफेसर अखिल रंजन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय चौरंगी पर अर्थी जुलूस निकाला गया, जिसमें प्रमुख रूप से सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। अनुदान नहीं वेतनमान दो के नारे के साथ इन लोगों ने पटना में कफन यात्रा में शामिल होने की अपील की। महाराज अधिराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा में पंचानन मिश्र के निमित्त श्रद्धांजलि सभा में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो एक साहित्य इतिहास भाषा के सांस्कृतिक परंपराओं के गंभीर चिंतक थे। दरभंगा की इमामबाड़ी में बड़ी घटना होते हुए चली। 2 बजे के आसपास 11,000 वोल्ट की बिजली की तार शॉर्ट सर्किट के बाद सड़क पर गिर गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। तत्काल इसकी सूचना ऑनलाइन दी गई और वहां के कर्मचारी ने आकर तुरंत बिजली ठीक की। गोरावराम विधानसभा के संभावित प्रत्याशी संजय सिंह ने दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गोपाल जी ठाकुर और नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार पूरी तरह असफल हो गई है। मंगलवार को दरभंगा में अनंत पूजा को लेकर के अनंत की बिक्री दरभंगा के मुख्य सड़क चौक चौराहों पर नजर आई। गौरतलब है कि मंगलवार को अनंत की पूजा होनी है,
जिसमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। विधायक फिराज फातमी के जदयू में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें आज लाल रंग के वस्त्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि दरभंगा के केचु विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद फिराज फातमी को अब भारतीय जनता पार्टी के जुड़े कार्यकर्ताओं को चुनाव के दृष्टिकोण से अपने वश में करने के लिए यह तकनीक भी अपनानी पड़ी है। उप विकास आयुक्त डॉक्टर काली प्रसाद महतो की अध्यक्षता में मंडल कार्यालय कक्ष में मतदाता जागरूकता को लेकर स्वीप कोषांग की बैठक आयोजित की गई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के कोविड-19 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने की योजना है। भीड़ एकत्रित करने की जगह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। मनेगाछी प्रखंड मुख्यालय पर फसल के बर्बादी कोरोना भत्ता देने की मांग को लेकर के सीओ रविंद्र कुमार से वार्ता करते हुए भाकपा माले के नेताओं ने 7500 रुपया गुजारा भत्ता देने एवं 25000 रुपया प्रति एकड़ क्षति मुआवजा देने की बात की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। नवीन सिन्हा ने फेसबुक पोस्ट पर गुलाम रब्बानी की तस्वीर पोस्ट कर लोगों को याद ताजा कर दी। 10 वर्ष पूर्व 2010 में मुहर्रम के 10वीं के दिन ही उनका निधन हो गया था। वो एक इंसानियत जिंदा दिल मजबूत इंसान थे और भाईचारा मजबूत करने के प्रयासरत रहे थे। बिहार में पौधारोपण के अंतिम दिन मरवाड़ी स्कूल के प्रांगण में स्थानीय निवासियों एवं स्कूल प्रशासन के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि जगह के अभाव में अगर स्कूलों के कैंपस में पौधारोपण गए तो प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। बेलाजुला वासियों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में गंदगी हटाने एवं स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए खुद सड़कों पर झाड़ू एवं अन्य सफाई सामग्रियों के साथ उतरे। लगातार इन लोगों के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में सफाई अभियान किया जा रहा है। हालांकि इन लोगों ने नगर निगम पर आरोप भी लगाए। जन अधिकार पार्टी के द्वारा डॉक्टर मुन्ना खां के नेतृत्व में सदस्यता अभियान हागार प्रखंड के सिधोली पंचायत में चलाया गया। वहीं सोहरा पंचायत में बिजली के करंट से मंत्रिमंडल की मौत के बाद उसे परिवार को 10,000 की आर्थिक मदद दी गई। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुरारी मोहन झा अब राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ करने में जुट चुके हैं। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी को लेकर के बहादुरपुर विधानसभा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों के साथ मिलकर अपनी राजनीतिक प्रारंभ की। लोगों में चर्चा है कि मुरारी मोहन झा को टिकट मिल सकता है। 2 सितंबर को रूमी की मौत की जांच करने एवं उन डॉक्टरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर के आईजी कार्यालय पर धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। इसे लेकर देर शाम तक रणनीति तय की गई। टीएमसीएच में डॉक्टरों पर वसूलकी का भी लगा है आरोप। दरभंगा में भी कोरोना के 384 एक्टिव मरीज जबकि 1800 से अधिक ठीक हो चुके हैं। आज 34 नए मरीज की सूचना। और दरभंगा नगर निगम में हार और जीत को लेकर के राजनीति तेज। जीत का सेहरा डिप्टी मेयर बॉबी खां पर तो हार को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव में हस्ताक्षर करने वालों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप प्रारंभ। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले में अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहें अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।